कबाड़ से बना फर्नीचर। 28 साल के प्रमोद का ये स्टार्टअप कबाड़ को अपसाइकल करके बनाता है अनोखे फर्नीचर। महाराष्ट्र के अहमदनगर के प्रमोद सुसरे ने ड्रम और टायर से फर्नीचर बनाकर 1 करोड़ से भी ज्यादा मुनाफा कमाया है। लेकिन इस स्टार्टअप से पहले प्रमोद की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेंटेनेंस इंजीनियर की नौकरी करना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टार्टअप का ख्याल हमेशा से उनके दिलो दिमाग में था। प्रमोद जहां काम करते थे उस फैक्ट्री का ज्यादातर सामान कबाड़ में जाता था। एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा कि कैसे जापान में ड्रम और टायर से सुंदर फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। तभी उन्होंने इस इंडस्ट्रियल वेस्ट से फर्नीचर बनाने का सोचा। प्रमोद फैक्ट्रियों से सस्ते दाम में ड्रम्स और टायर ले आए और एक सेकेंड हैंड ड्रिलिंग मशीन भी खरीद ली।